हेलो छात्र, आप कैसे हैं? हम इस विषय में अध्ययन करेंगे आज द्वितीय वर्षीय बीटीसी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बेसिक टीचर सर्टिफिकेट सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्य पुस्तक, जिसमें हम अध्ययन करेंगे साइंस विज्ञान प्रथम सेमेस्टर में। तो यूपी राष्ट्रीय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित बीटीसी प्रथम पेपर में हम विभिन्न सर्वेसों का अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं ये सर्वेस क्या है। तो विषय आज हम अध्ययन करेंगे सजीव। सजीवों में आता है सजीव क्या है, वनस्पति जगत क्या है, पौधों में प्रजनन और उनके प्रकार क्या है, मापन क्या है, बल और गति क्या है। देखें विषय सूची है और सजीव क्या है यानी जिनमें जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं उसे सजीव कहते हैं, जिनमें जैविक क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव देखें, सजीव क्या है? सजीव में मानव, पादप, जीव जंतु समस्त प्रकार के प्राणी आते हैं जो सजीव कहलाते हैं। जबकि निर्जीव क्या है? जिसमें नदी, पहाड़, मिट्टी आदि ऐसी चीजें हैं जो ठोस होती हैं, जिसमें जीव नहीं होता है, जिसमें जैविक क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं, अर्थात पोषण, प्रजनन, अन्य दैनिक क्रियाएं जिनके अंतर्गत नहीं होती है वे निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। तो सजीव और निर्जीव के परिभाषाएं से आप परिचित हो गए, सजीव चैप्टर से परिचित हो गए। इकाई नंबर दो है। इकाई नंबर दो वनस्पति जगत है। अब इस वनस्पति जगत में देखा गया है कि प्रत्येक वनस्पति भिन्न भिन्न वातावरणों में रहती हैं। जैसे आपका जली वातावरणी, वायुमंडली, स्थली, ये विभिन्न मंडल हैं और इस मंडल में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और इस वनस्पतियाँ के विभिन्न प्रकार भी हैं, जैसे कुछ भूमिगत वनस्पतियाँ होती हैं, कुछ वायवीय होती हैं, और कुछ दूसरों के आश्रित रहकर जीवन यापन करने वाली होती हैं, जो दूसरों के सहारे जीवन यापन करती हैं। तो इस तरह से वनस्पतियाँ के विभिन्न वर्ग हैं जिसका अध्ययन इस इकाई नंबर दो में करते हैं। इकाई नंबर 30 में आता है पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार। देखें प्रजनन नर और मादा में होने वाले रिप्रोडक्शन क्रिया को प्रजनन कहते हैं, अर्थात निषेचन जिसे कहते हैं। अब प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा सीधे संपर्क होते हैं, यानी जिसमें नर और मादा की जरूरत होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिसमें मादा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नर होता है। तो ऐसे को जो है हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आइए इसके जनन के विषय में विभिन्न प्रकार के राइबोसोम, आरडीएनए, न्यूक्लिक फॉस्फोरिक एसिड, तमाम प्रकार के तत्व हैं। इनके विषय में जैसा आपके चैप्टर में होगा उतना हम विस्तृत अध्ययन आगे हम देखेंगे। चौथा आता है मापन। किसी भी वस्तु को शुद्ध माप यथार्थता तक माप करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। भौतिक राशियां मापन में मूल चार होती हैं, लंबाई, भार, ये मापन की राशियां हैं। तो लंबाई है, भार है और अन्य है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये चार प्रमुख हैं। लेकिन इसके अंतर्गत ये चार तीन भाषाओं में की जाती है, जिसमें नंबर वन MKS पद्धत, मीटर फुट पाउंड, और CGS पद्धत, CIS और आई एस प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो ये तीन प्रणालियाँ होती हैं जिसमें मापन का इकाई की मापी जाती है। अब आइए इसी मापन के अंतर्गत देखा जाता है कभी कभी कि इसको ग्रेज का मापन है, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापन है, छोटे छोटे तंत्रों का मापन है, सूक्ष्मदर्शी आदि ऐसे यांत्रिक मशीनें आती हैं वर्तमान में आ चुकी हैं जिसे बहुत न्यूनतम न्यूनतम पाउंड तक मापी जाती हैं।
पांचवा लेसन आता है गति। गति क्या है? चलने हिलने डुलने की गति को गति कहते हैं। बल है, दो प्रश्न आया है, तो चलने हिलने की प्रक्रिया को गति कहते हैं। तो गति जैसे कोई निर्जीव वस्तु या गतिशील वस्तु चलती है, हिलती है, डोलती है आदि क्रियाएं जो प्रकट होती हैं उसे हम गति कहते हैं। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को बल कहते हैं, जिसमें डिस्टेंस की दूरी बल द्वारा लगाकर किसी वस्तु को विस्थापन धकेला जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, उसे हम बल कहते हैं। तो बल जो है विभिन्न प्रकार के हैं, संतुलन बल, संतुलन बल में असंतुलन, संतुलन बल, उदासीन बल, ये विभिन्न प्रकार के बल के विषय में अध्ययन आगे आपके सिलेबस में जितना ही रहेगा उतने के ही विषय में अध्ययन करेंगे, विस्तृत कक्षाओं का अध्ययन हम नहीं देंगे आपका। जो सिलेबस होगा वही सिलेबस के आधार पर ही हम टिप्पणी आपको देंगे। और अगला चैप्टर आता है आपका, बल के बाद आता है पदार्थ की अवस्थाएं। अब चूंकि पदार्थ की अवस्थाएं के अध्ययन में देखा गया कि पदार्थ तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब कहा जाता है ठोस किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जिस मानी ठोस किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसमें भार हो, नहीं गलत, वह वस्तु जो स्थान गिरती है, जिसका निश्चित आयतन होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस वस्तुओं का वह गुण होता है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। और दूसरी अवस्था होती है गैस। गैस क्या है? गैस में न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। तीसरा है द्रव। द्रव क्या है? द्रव वस्तुओं का वह गुण है कि आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, उसे हम जो है द्रव कहते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाओं के विभिन्न रूप हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मिश्रण है, कोलाइड मिश्रण है, पायस है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आदि हम टिप्पणी आगे चैप्टरों के अध्ययन में करेंगे। सातवां आता है मॉडल तैयार करना। तो मॉडल में कक्षा में प्रोनेट तैयार करना, उस प्रोनेट के विषय में अध्ययन करना, और ये प्रोजेक्ट फाइल जिसे हम कहते हैं, प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, तो इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। अब आइए सजीव में चलते हैं, पढ़ने युक्त तथ्य में। तो हम इस अध्याय को पढ़ने में निम्नलिखित कार्य, निम्नलिखित के बारे में जानकारियाँ अनुभव करते हैं, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब देखें इसमें प्रश्न आता है प्राकृतिक और मानव। देखें प्राकृतिक में प्राकृतिक द्वारा जो दी गई है, प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होती हैं उसे हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे प्राकृतिक में नदी है, तालाब है, पहाड़ है, वायु है, हवा है, ये प्राकृतिक निर्मित है। और मानव निर्मित वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, हवाई जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, सुई से लेकर पहाड़, हवाई जहाज तक जितनी भी छोटी बड़ी सामग्रियां होती हैं ये मानव निर्मित हैं। तो कुछ प्रकृति में मानव निर्मित वस्तुएं हैं और कुछ प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं और कुछ मानव निर्मित। तो इनके दोनों को टिप्पणी, जैसे हमें अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण कीजिए। आप दो कॉलम बनाइए और इस कॉलम में एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित के सामग्री का नाम लिखते जाइए, ठीक है? तो इसे आपको यह आभास होगा कि हम कितने शब्दों का बोझ डाल सकते हैं, कितने शब्दों का आकलन कर सकते हैं जो मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं और प्राकृतिक निर्मित के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आता है सजीव और निर्जीव। सजीव निर्जीव हमने बता चुका कि जिनमें जैविक क्रियाएँ संचालित होती हैं, अर्थात जिसमें पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं संचालित होती हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। निर्जीव जिसमें जैविक क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं उसे निर्जीव कहते हैं। अब आता है प्रश्न कि सजीव निर्जीव में अंतर दीजिए। तो हाँ, आप दो कॉलम बनाइए, एक सजीव का, एक निर्जीव का। देखें सजीव में लिखिए इसमें प्रजनन होता है, निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। सजीवों में पोषण होता है, निर्जीव में पोषण नहीं होता है। सजीव क्रियाएं चलने हिलने की आदि होती हैं जबकि यह गति नहीं होती। तो इस तरह से सजीव निर्जीव का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। कई मुख्यतः पांच तथ्यों में, पांच लाइनों में आप
इनका सजीव और निर्जीव में अंतर व्यक्त करके व्याख्या दे सकते हैं। तो ये कोई विशेष बड़ी चीज नहीं है। अब आते हैं पौधों और जंतुओं में अंतर, अगला स्टेप है। अब चूंकि पौधों पौधे और जंतुओं में अंतर, पौधा और जंतु, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होती है, जाइलम पूर्ण काम करता है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं, तथा आक्सी अनाक्सी क्रियाएं पौधों में होती हैं। मूलगोप पौधों में पाया जाता है, रंधवा पौधों में पाया जाता है, खुलने प्रक्रिया, खुलने और बंद होने की प्रक्रिया रंधवा जो करते हैं पौधों में होता है, जबकि जंतु में ही लिखते हैं। जंतु में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, पोषण क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है, श्वसन अंतःश्वसन क्रिया होती है। तो इस तरह से पौधों और जंतुओं का वर्णन 5-6 पॉइंटें आप दे सकते हैं, और आराम से 5-6 पॉइंटें जंतुओं में दे सकते हैं, जिससे बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं। पौधे और जंतुओं में समानताएं व्यक्त कर सकते हैं, पौधे और जंतुओं में अंतर दे सकते हैं। तो अंतर और समानताएं में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, एक तरफ पौधे को और एक तरफ जंतुओं का आकलन लिख करके आप प्रकट कर सकते हैं। अगला रहा जंतु और वनस्पतियों में वातावरण अनुकूलन क्षमता। जंतु एवं वनस्पतियों में अनुकूलन क्षमताएं, अब इस अनुकूलन क्षमताएं में देखा जाता है कि जंतु और वनस्पति, प्रकृति में देखा गया कि कुछ जंतु और कुछ वनस्पतियां भिन्न भिन्न निवास करते हैं, भिन्न भिन्न वातावरण में रहते हैं, परंतु उसमें कुछ कारण भी होते हैं। जैसे आपको जंतु पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण अर्थात परिस्थिति की, पृथ्वी से चारों तरफ घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण में देखा गया है, इस पर्यावरण में देखा गया है, एक मिनट, इस पर्यावरण में देखा गया है पर्यावरण में यह देखा गया है कि प्रकृति में कुछ जीव जंतु रहते हैं और कुछ वनस्पतियां रहती हैं, और उसमें पोषण प्रजनन समस्त क्रियाएं करती हैं, परंतु कुछ विषम परिस्थिति के कारण कुछ जीव ऐसे होते हैं जिस उस वातावरण के अनुकूल नहीं रह पाते हैं, और धीरे धीरे वह विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त होकर समाप्त हो जाते हैं। इसी को अनुकूलन कहते हैं, और कुछ जंतुएं उसमें अनुकूलित होते हैं तो वह सदैव रह जाते हैं। यह अनुकूलन क्रियाएं संचालित होती हैं। अब आता है जंतु और वनस्पतियों में वातावरण अनुकूलित प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है। कुछ वनस्पतियां भी ऐसी हैं जो वनस्पतियां रहती हैं, कुछ वनस्पतियां इस मौसम के मुताबिक नहीं रही तो वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन का विभिन्न अध्ययन हम आगे करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं आगे स्टेप क्या है। अगला स्टेप है कि आपने हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखें, जिनमें कुछ प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होते हैं, कुछ तो मनुष्य बनाता है। आप सभी ने महसूस होगा मनुष्य द्वारा बनाए गए वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, जबकि ऐसी वस्तुएं मानव निर्मित कहलाएगी, तथा प्रकृति में स्वतः वस्तु प्रतीक प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इन प्रकार प्रशिक्षकों को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में आकर्षित कराया गया। प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण आप अपने विवेक से आधारित लिखिए, जिसमें हमने आपको टिप्पणी दे दिया है। सजीव में अंतर, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु में सूची विशेषताओं की चर्चा कराएं, तथा उसमें कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, इनके लक्षण क्या हैं। ठीक है, बच्चों को कक्षा में ध्यान आकर्षित कराएं, तथा उनको अध्यापन में सिखाएं कि बेटे कौन सा वस्तु निर्जीव है, कौन सा अनिर्जीव है। ब्लैकबोर्ड संपर्क पर शिक्षक लिखे, उसका नाम आकलन करे कि इसमें जीव होता है, इसमें जीव नहीं होता है, ये गति करता है, ये गति नहीं करता, इसमें पोषण होता है, इसमें पोषण नहीं होता है, ये चलते फिरते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, आदि सजीव निर्जीवों का अध्ययन हमने ऊपर भी चैप्टर पर बताया और इसमें भी दिया।
अब आइए पौधों और जंतुओं में अंतर की बात रही। शिक्षक प्रशिक्षकों के सहयोग से पौधे और जंतुओं की सूची तैयार करें। सूची तैयार करने के पश्चात प्रत्येक पौधे और जंतुओं के समान लक्षणों को प्रशिक्षकों के सहयोग में चर्चा करते हुए श्यामपट पर लिखे कि किसी भी लक्षण में असहमति में शिक्षक स्पष्ट करते हुए बताए व उदाहरण दे कि शिक्षक जंतु और पौधों में अंतर को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रशिक्षकों में से परिचर्चा करते हुए निष्कर्ष की प्राप्ति करें। जैसे कुछ हम दे रहे हैं, गमन, लोकोमोटेशन, स्थान परिवर्तन को गमन कहते हैं, अर्थात शरीर के भाग को हिलाने डुलाने की क्रिया मूवमेंट कहलाती है। सभी जंतुओं में गमन करते हैं, जैसे अमीबा का पश्चिमी गति है अमीबा, तो ये छुई मुई का पौधा है, ये ऐसे पत्तियां हैं अंधकार में रहकर प्रकाश की ओर भी गति बढ़ती है। वाइवान है, स्कूटर है, ये निर्जीव होते हुए भी गति करता है, किंतु इन पादपों में गति बाह्य शक्ति के कारण होती है, स्वेच्छा से नहीं होती है, जबकि जीवों में गति अपनी इच्छा से तथा भीतरी शक्ति से भी होती है। शरीर संगठन की बात करें तो सभी जीवों में शरीर का निश्चित संगठन होता है, वह इकाई से मिलकर बना होता है, विशेष आकार की रचनाएं होती हैं। जंतुओं की शारीरिक रचना जटिल होती है, जबकि पौधों में सरल संगठन पाया जाता है, जहां कुत्ता तथा गुलाब के पौधे का निश्चित स्वरूप होता है, वहां पत्थर व लोहे का कोई निश्चित रूप नहीं होता है यदि उसका आकार बनाया न जाए। इसी तरह से फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, वृद्धि में सभी जीवों में वृद्धि होती है, जंतुओं में वृद्धि परिपक्व होने तक पाई जाती है, उसके बाद केवल कुछ विशेष भागों में तथा परिस्थितियों में ही वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि लगभग सारे जीवन होती रहती है। जीवन पदार्थों में स्वयं वृद्धि करने की क्षमता निहित होती है। चीनी की डली को चीनी में संस्थित घोल में रखने से डली आकार में बढ़ जाती है, किंतु यह वृद्धि बाह्य कारणों से होती है। पोषण है, जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त के लिए पोषण की आवश्यकता होती है तथा पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं निर्माण करते हैं, जैसे मुर्गी के अंडे, चूजे आदि का बनना। क्या आप जानते हैं सभी जीवों में जैविक क्रियाएं ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जीव शरीर संगठन में परिवर्तन भी होते हैं। शरीर में होने वाले विभिन्न भौतिक रासायनिक उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं, जिसमें ग्रहण किए गए पदार्थ का रूपांतरण होता है, आवश्यक ऊर्जा विमुक्त होती है। उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, उपचय जो एक रचनात्मक क्रिया जिसमें जीवदप का नया भाग बनता है, अपचय जो एक विनाशक क्रिया होती जिसमें कुछ पदार्थ पोषक का दहन करके कंजूमर अन्य अपशिष्ट पदार्थ को बहिस्रेपित करते हैं, बाहर निष्कासित करते हैं, उसे हम उपचय क्रिया कहते हैं, अपचय क्रिया कहते हैं। अब आता है रिफ्रिजरेशन, श्वसन। ऊर्जा प्राप्ति के लिए सभी जीवों में श्वसन होता है। इस क्रिया में विभिन्न भोज्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का ऑक्सीकरण, दहन, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कुछ भाग बाह्य श्वसन के रूप में होता है तथा कुछ आंतरिक श्वसन के रूप में, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन स्वतंत्र रहने वाले जीवों में पाया जाता है, जबकि वायु की कमी में रहने वाले अवायवी श्वसन होते हैं, जैसे हमने कहा कि आक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। उत्सर्जन, जीवों में शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाएं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनके शरीर में अधिक समय रहना हानिकारक हो सकता है। अतः सभी जीवों में कुछ अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। निर्जीवों में ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता है। उत्तेजनशीलता, प्रत्येक जीवधारी वातावरण के परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के कारण उत्तेजनशीलता अधिक होती है। वैसे सभी जीवों में उत्तेजनशीलता कुछ जीवदप में पाया जाता है। इसी गुण के कारण सर्दी, गर्मी, रासायनिक पदार्थ, उद्दीपन आदि क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। प्रजनन, हर जीवधारी अपने समान संतान पैदा करना चाहता है, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। उनके वंश चलता रहता है, प्रजनन प्रक्रियाएं हो सकती हैं। प्रजनन प्रक्रियाओं के अंतर्गत देखा गया है कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। कई विधियां द्वारा नई संतान उत्पन्न हो सकती है। उच्च वर्ग के प्राणियों में लैंगिक जनन होता है। निर्जीव पदार्थ जैसे वायवीय अपने समान
संतानोत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं होती। जीवन चक्र, प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन होता है जिसमें एक चक्र के रूप में कुछ अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे अंडा, शिशु, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, अंत में मृत्यु। इस प्रकार की सुनियोजित जीवन चक्र निर्जीव पदार्थों में होता है। जंतुओं वनस्पतियों में वातावरण अनुकूल, हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि कौन जंतु, कौन सा पौधा कहाँ रहता है, कहाँ उगता है। प्रत्येक जीवधारी एक विशिष्ट पर्यावरण में रहता है। सजीव प्रायः तीन स्थानों, जल, स्थल और वायु में रहता है। इस प्रकार जंतु जलीय, स्थलीय, उभयचर तथा वायवीय होते हैं। तो इस तरह से हमारे इस चैनल पर आइए और ईपीटेट, सीटेट तथा बीएड और बीटीसी के समस्त सिलेबस उपलब्ध हैं पीडीएफ फाइल में, उसे प्राप्त कीजिए और लाइव वीडियो भी देखिए, लाइव क्लास में सम्मिलित होइए। सारी चीज़ें इस चैप्टर में उपलब्ध हैं। अधोलिखित कुछ तालिकाएं सोच समझकर जल, स्थलीय, स्थल, उभयचर, वायवी जंतुओं के नाम लिखिए। जैसे में आपका झींगा, मछली, बंदर है, घेका है, कौवा है। अब जली में निकलने वाले मेढक है, जल में रहने वाला है, दरियाई घोड़ा है और अन्य विभिन्न मछलियाँ का नाम इसमें आता है जो जली है। वनस्पतियाँ भी आती हैं जल में ही। स्थलीय जंतु हैं बंदर है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, खच्चर है। उभयचर में घोघा है जो जल में और सूक्ष्म में दोनों में रहता है। टोड है, ये दोनों स्थानों पाया जाता है। वायु में कौवा है, पक्षी है और विभिन्न प्रकार के जंतु हैं और पौधे भी इस तरह से हैं कुछ जो वायवी में हैं, जैसे बिलरी पौधा है, निफेंथिसिया है। ये पौधे ऐसे हैं जो जल में और स्थल में दोनों में रहते हैं। नागफनी को जलीय वातावरण, कुमुदिनी को स्थलीय वातावरण में भी उगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ भिन्न भिन्न वातावरण में उगती है, जैसे नागफनी, नीम, गेहूँ, चना आदि स्थलीय वातावरण में है, जबकि वहीं कुमुदिनी, जलकुंभी, कमल आदि जलीय वातावरण में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो है जल का है, ये वनस्पतियाँ अपने अपने वातावरण में उगने के, विकसित होने के अनुकूल होते हैं। इन जीवधारियों को अनेक प्रतिकूल वातावरण में रखा जाए, वे नष्ट हो जाते हैं। इस तरह जीवधारियाँ वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। आकार, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन है जो सजीव को पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन, इनके विषय में अध्ययन हम करते हैं। अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन में विभिन्न जातियां में वातावरण के अनेक होने के परिवर्तनों में शारीरिक रूप में अनेक अंगों में परिवर्तन होते हैं। शारीरिक बनावट, जैसे वातावरण के अनुसार शारीरिक चपटा, पतला, लंबा, बेलनाकार, बौनापन, हल्का, फुल्का आदि होता है। जैसे आपने बंदर को देख लीजिए, अवशेषी अंग जिसे कहते हैं। सिर है, सिर की स्थिति, बनावट भी वातावरण के अनुसार कुछ है, पीछे को खींचा हो जाता है, चपटा हो जाता है, फैला हुआ, फिर पतला हुआ सिर पर। नेत्र, इसमें झिल्लियाँ आदि ऐसे आवश्यकताओं अनुसार बढ़ती गई। नेत्र त्वचा के छिपे हुए, सिर से उभरे हुए, बाह्यकर्ण छोटा का होना, ढकना होना, वातावरण पर निर्भर होना आदि, नासिक छिद्र आदि में कुछ न कुछ बनावटें वातावरण और मौसमी के आधार पर होते हैं। जैसे आज कहा जाता है मानव जो है समस्त शरीर में बाल होते थे, लेकिन आज के युग में मानव के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका का गुरिल्ला को देखिए, मानव बंदर देखिए, ये सारे परिवर्तन जो है कुछ न दून वातावरणीय अनुकूलन परिवर्तन के कारण होते रहे। पादपों की बनावट है, विभिन्न जातियाँ वातावरण के अनुसार अग्रपश पादों में अंतर पाया जाता है। दौड़ने वाले जंतु जैसे घोड़े में पैर अधिक मजबूत होते हैं। पेड़ पर रहने वाला जंतु जैसे बंदर पकड़ने में सक्षम होता है। तैरने वाली मछली व्हेल पतावर के समान। उड़ने वाले जंतु चमगादड़ पंखों के रूप में। गड्ढा खोदने वाला जंतु खरगोश है पंजे के रूप में। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। अंगुलियों की संख्या में देखा जाए वातावरण की आवश्यकता में पैरों में उंगुलियों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। प्लेटीग्रेड पैर में 5 अंगुलियाँ होती है तथा पैर की पूरी तली पृथ्वी पर टकी होती है। जैसे भालू है
बैबून है। ये फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के जंतु कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे अपनी गति करते हैं, इनका अंदाजा आप देख सकते हैं। डिजी टी ग्रेप पैर में चार उंगलियां होती है, हायना में अंगुली ग्रेट पैर होते हैं, पूछ होती हैं, संतुलन अंग के रूप में पूछ प्रयुक्त की जाती हैं, आधार पर लिपटने का भी कार्य करती हैं, संरचना में फैली हुई पतली हुई मोटी विभिन्न प्रकार की पोछे भी होती हैं। त्वचाएँ देखिए, सिल्क डेवलपमेंट में वातावरण में उपयुक्त जंतुओं में त्वचा में परिवर्तन, जलीय जातियाँ, रहने वाले पंख युक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले बालयुक्त त्वचाएँ, अनुकूलन के अनुसार जीव जंतु किस वातावरण में रहते हैं तथा उनका स्वभाव कैसा होता है, अनुकूलन होते हैं। दौड़ने में उपयुक्त कोहर्सिल अनुकूलन, ऐसे जंतु पृथ्वी पर स्वभाव में के होते हैं जैसे घोड़ा एंटीलोप, गड्ढा खोदने के उपयुक्त फारोलिसिस अनुकूल, इस प्रकार के जंतु जीवन निर्वाह के लिए गड्ढे खोदते हैं जैसे चूहे कीटपक्षी स्तनधारी, जलीय अनुकूल जल में रहने वाले जंतु, जंतुओं में मछलियाँ आदि पाई जाती हैं, चढ़ने में उपयुक्त अनुकूल जैसे जंतु पक्षी दीवार चमगादड़ चट्टानों पर उपयुक्त सिरिप्स पक्षी आदि ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं। वायवी अनुकूल में वायु में रहने वाले जंतु पक्षी जैसे चमगादड़ है स्तनधारी वायु में रहता है, गुफा है गहरे है जैसे जंतु में कुछ मछलियाँ गहरी समुद्रों में रहती हैं। मरुस्थली में अनुकूल रहने वाले वातावरण में देखा गया कुछ अनुकूल जैव विकास में विशेष महत्व रखते हैं, इनके लिए धीरे धीरे नई जातियाँ बन जाती हैं। इस अनुकूल में होने वाले परिवर्तन अनुकूल के कारण जानकारियाँ अपने आप आती है, तो उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए क्रियाकलापों के माध्यम से जीव में अनेक को समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ समझें जानें। हमने हाथ पर पैर को लगातार एक घंटे तक पानी में डुबोया रखा, हाथ पैर को, तब कैसा लगा? त्वचा अथवा पैर की त्वचा चमड़ी कोई परिवर्तन दिखाई देगा? यस, यह एक जली जंतु मछली जली जलकुंभी आदि ऐसे हाथ पैर की त्वचा सिकुड़ जाती है क्योंकि मनुष्य का जीवन पानी में रहने के अनुकूल नहीं है। इस फिगर के माध्यम से आप अपने अनुभव को जागृत कर सकते हैं। देखें, ये पौधे हैं जो विभिन्न प्रकार के सिंघाड़ा है, कुमुंदुनी है, हाइड्रिला पौधा है, ये जली सब हैं, जल से बाहर निकालने पर ये समाप्त हो जाएंगे। पिस्टिया है, जलकुंभी है, कमल है, स्टोरिया है, ये पौधे ऐसे हैं जो जल से बाहर तो निकालने पर सूख हो जाएंगे। मेढक मछली भी ऐसा ही है जो जल के ही अनुकूल है। वातावरण में रहने से मछलियाँ में श्वसन के लिए जल क्लोम पाया जाता है, तैरने के लिए शरीर धारा रेखी चपटे होती है जो सड़ने से बचाने के लिए मछली के शरीर में सेल्फ जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। मछली में गर्दन का अभाव होता है, गर्दन नहीं होती, आंखें पटल की तरह होती है, सभी लक्षण मछली के जल में रहने के लिए आवश्यक है। उसी तरह से तालाब में पोखरी में देखा गया विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं जो अपना जीवन निर्वाह करती हैं। जलीय पौधे में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जलीय पौधे शरीर कोमल और कमजोर होती है, पादप शरीर के सभी अंगों में मृत अधिकतम होता है, कष्ठी उद्यक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, पत्तियां पतली कटी फटी होती हैं, पत्तियों में रंध्र का अभाव होता है, जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, तना वृतांत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोष पाए जाते हैं, जली पौधे के सभी भागों में मोम उपचर्म की परत पाए जाते हैं तथा इनको पानी में सड़ने से बचाती है, जैसे कुमुदिनी कमल हाइड्रिला पौधा सिंघाड़ा तथा सजिटेरिया। इसी तरह से मरुस्थली पौधे हैं, जैसे मरुस्थली जंतु में स्थली में रहने वाले छिपकली है, ऊँट है, स्थली है, नीम है, अमरूद स्थल पर रहने वाला है, तो इस तरह से इनके फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, इनके भोजन की प्रचुर मात्राएं इसमें होती है, नींबू आम है, इनमें भी तना पत्तियाँ चमकीली होती हैं, पड़फलक का विकसित होते हैं, जल जड़ तंत्र विकसित होता है, रंधवा सामान्य रूप से कार्य करता है। तो इसी तरह से जंतुओं के नाम ऊँट गिरगिट छिपकली है, पौधों के नाम नागफनी बबूल खजूर आदि है। मरुस्थल में रहने वाले कुछ पौधे पानी की कमी से तेज धूप और गर्म बालू कांटेदार सूक्ष्म पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके आप राइट साइड आपके जो है फिगर आपके दिए गए हैं, तो इस तरह से आप अपने अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। ऊँट के खुर गद्देदार और तलवे चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि रेत में फंसने से चौड़ेदार गुद्देदार बने होते हैं, प्रकृति द्वारा
पानी मिलने पर एक बार में 50 लीटर पानी पी जाने वाला, 10 दिन तक बिना पानी पिए रहने वाला जानवर कौन है? ऊँट है। पानी की कमी होने पर लगभग आधा लीटर मूत्र त्याग करता है, जो सामान्य परिस्थिति में 12। ऊँट को पसीना नहीं आता है। वातावरण के ताप और शरीर के ताप में अंतर कम करने के लिए अपने बढ़ाकर लगभग 42 सेल्सियस तक कर लेता है। देखिए, ऊँट के कूबड़ में भोजन संग्रहित होता है। विषम परिस्थितियों में यहीं से संग्रहित भोजन का प्रयोग करता है। मरुस्थली कटीले पौधों को खाकर अपना जीवन रह सकता है। पानी की कमी, सूर्य का तेज प्रकाश, दिन के समय उच्चतम ताप, कठिनाइयाँ, तना मांसल चपटा, हरी सब्जी स्पंजी भोजन बनाने में। तो इस तरह से तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो आप अध्ययन कर सकते हैं। पत्तियाँ तनों के सतह पर क्यूटिकल पत्तियाँ कांटों तथा सल के रूप में पाई जाती है, जैसे नागफनी है, सतावर है। कुछ पौधे की पत्तियाँ मांसल होती हैं, इनमें जल संग्रह होता है, जैसे गीतज्वार। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में फंसे रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कनेर का फूल है। कुछ ऐसे जंतुओं का नाम बताओ जो हवा में उड़ते हैं, कीट पक्षी हवा में उड़ते हैं। तो इस तरह से उड़ने हेतु शरीर में उनके अनेक प्रकार के अनुकूल होते हैं। कीटों में देखा जाए, कीटों में एक जोड़ी पंख होते हैं। कीटों में शरीर छोटा और हल्का होता है, स्वसरंध्र होता है, शरीर में हवा भरती है निकलती। इस प्रकार का शरीर हल्का, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि होती है। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन, जैसे सभी पक्षी कशेरुकी प्राणी हैं, वो उड़ने हेतु उनके शरीर में अधोलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। उनका शरीर नौकाकार तथा धारा रेखी होता है, अग्रपाद पंखों से रूपांतरित तथा जो उड़ने में सहायक होता है। अस्थियां खोखली मजबूत वायु से भरी होती हैं, फेफड़े वायुकोश जुड़े होते हैं, हवा भरी रहती हैं। ये उड़ते समय शरीर को हल्का भी कर लेते हैं, जैसे तोता, कौवा, कबूतर, पक्का। अब मूल्यांकन है, सजीव क्या है? गिलास, साइकिल, गिलहरी, फिटकरी। इसमें सजीव गिलहरी है। मरुस्थल में पाए जाने वाले निवास करने वाले सर्प, कबूतर, गाय, छिपकली, सर्प है। सत्य असत्य को छांटिए, ये सारी चीज़ क्वेश्चन है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर आता है वनस्पति। वनस्पति जगत में पौधों की विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधे एवं जंतुओं के उपयोगी, जंतुओं पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण आदि के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन में हम अगली वीडियो में ये संपूर्ण चैप्टर का वर्णन देंगे, जो 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के जो भी होगा, हम उसको जो है डिटेल में 2 चैप्टर्स, इकाई 2 से लेकर चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लाइव वीडियो में आप जुड़िए, हम ये समस्त चैप्टरों के विषय में आपको अध्ययन प्रोवाइड कराएंगे।